वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। मौलाना साथ साथ फरमाते हैं कि मक्का और मदीना के बाद निजामुद्दीन अलिया सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह है, जबकि शरीयत की रूह से मस्जिद अक्सा तीसरे नंबर पर है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं मौलाना साहब। ये तो इन अदर वर्ड्स जो बुनियादी हमारे बिलीफ है इस्लाम के बारे में, उनमें इंटरफेरेंस इन्होंने शुरू कर दी है। सही, असल में बात असल मैं वही कह रहा हूँ कि एक किस सिनेरियो में एक आदमी बात कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या, वो क्या कहना चाहता है। जब आप दूसरे की बात को अपने जहन अपनी सोच से सोचेंगे तो आप माना दूसरा लेंगे, अगर उससे सोचेंगे दूसरा माना लेंगे, तो ये वही वाली बात है। अब ये अंग्रेजी का ई का हिस्सा मेरी तरफ से देखे तो ये होगा, आपकी तरफ से देखे तो तीन होगा, तीन लिखा होगा, इधर वाला देखो तो एम होगा, उधर वाला देखो तो डब्ल्यू होगा। अब ई का हिस्सा है, लेकिन चार आदमी चार डायरेक्शन से देखेंगे तो अलग माना देगा। हालांकि जो बंदा बोल रहा है आपको उसको देखना चाहिए वो क्या सोच रहा है। ठीक, लिहाजा मौलाना साहब ने जो ये बात कही है, ये उन्होंने उनका मकसद यह है कि मक्का मदीना ये हिदायत के मरकज है, वहां से हिदायत फैली। उसके बाद इस वक्त दुनिया के अंदर जो हिदायत का मरकज है, हिदायत जो फैल रही है, वो निजामुद्दीन है। और यह हकीकत है कि लोगों ने मक्का मदीना को निजामुद्दीन की मेहनत के बाद पहचाना। अब जुनैद जमशेद एक मारूफ नाम है, मुझे बताइए जुनैद जमशेद ने मक्का मदीना की अजमत और मदीने वाले के नातों की अजमत यह कहां से पहचानी? रायविंड की मेहनत से। रायविंड निजामुद्दीन का फैज है, तो उसी मरकज की मेहनत, निजामुद्दीन की मेहनत से जो जुनैद जमशेद जो एक गुरुकार से एक नाथखान बन गया। तो मक्के मदीनों को पहचान पैदा करने वाले वहां से आ रहे हैं, उस मेहनत की बरकत से। बल्कि मौला तारिक जमील साहब एक बहुत मशहूर शख्सियत है, आप जानते हैं, लेकिन वो किस हाल से निकले, क्या थे, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन सारा कुछ छोड़ छाड़ के वो इस दावत। तो ये वो निजामुद्दीन की मेहनत की बरकत थी ना, कि ये लोगों को कि जो जानते ही नहीं थे मक्का मदीना की अजमतों को, उनको मक्का मदीना अजमतें पढ़ा दी। तो उनका मकसद ये है कि निजामुद्दीन एक हिदायत का ऐसा इस मरकज है कि इसने मक्का मदीना की अजमतें लोगों को पहचान करा दी कि मक्का मदीना हकीकत में है क्या, और कैसे कैसे शराबी जो अल्लाह के नेक बंदे बन गए, कैसे कैसे जो है वो जो है दुनियादार जो है और दीन के जान निसार बन गए। तो इसलिए इस कॉन्टेक्ट के अंदर एक बात कर रहे हैं। और मजे की बात, आपको एक इतना बड़ा आदमी जो इतने बड़े रूहानी खानदान का हिस्सा है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह का पड़पोता है और वो एक खुद आलम दीन है, मुस्तद खुद एक रूहानियत के मनसब पर है, उसकी बात की आपको तावील करनी चाहिए। आप झट से एक आम आदमी की तरफ फतवा ना लगा दें, वो एक बात कर रहा है तो आप सोचें कि यार इसके मतलब कुछ और होगा, इसका मतलब भी रूहानियत की आला बात कर रहा है। लेकिन मैंने बताया ना, अदावत के अंदर हम क्या कर देते हैं, अगले आदमी को सिफर करते हैं। इसलिए कुरान ने कहा ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु, कि तुम किसी कौम की अदावत में ऐसे ना हो जाना कि तुम जो अदल का रास्ता छोड़ दो। और हमारे लड़ाइयों में तनाजिब ही होता, हम अदल का रास्ता छोड़ के उसकी जातियात पे आ जाते हैं। लिहाजा इनका यह कहना कि वो मरकजी हिदायत है और हिदायत पूरे आलम के अंदर जितनी वहां से फैली है तो ये किसी और जगह से नहीं फैली। बाकी तकदीस इज्जत के एतबार से वो बैतुल मुकद्दस को हासिल है, इतना तो एक जाहिल आदमी भी जानता है, क्या मौलाना नहीं जानते होंगे। अब इसको इशू बना के आप मौलाना पर फतवे लगाएं तो ये भी एक ज्यादती है।